जो ये DPR जो वसुंधरा जी ने 2017-18 में बनाई, वो इतनी जल्दबाजी में बनाई कि उसमें पूरा है ना जो पानी है वो इंडस्ट्री के तौर पे है। तो हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से तो कि इस DPR में संशोधन करे और हमारे जो बांध है, लोकल बांध है, चाहे वो यहाँ का सीकरी बांध हो, चाहे जमवारामगढ़ बांध हो, चाहे कालका बांध हो, जितने भी जो लोकल। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा ERCP की मांग जो है किसानों की, यानी कि पूर्वी राजस्थान में जो नहर का पानी है, जो परियोजना है, यानी कि कह लीजिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसको लेकर उनकी जो पानी की मांग है उसी को लेकर किसान जो है लगातार धरना दे रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग 40 दिन हो गए हैं, अभी हम मौजूद हैं नगर के थड़ी में, अभी हम पहुंचे हैं। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे 13 जिले हैं जो 3-1 की वाणी, हमको चाहिए चंबल का पानी। 13 जिलों की मांग है कि हम सबको पानी चाहिए, यानी कि लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, सभी को पानी चाहिए, पानी के लिए त्रासना है। और जो किसान है उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों से जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं चंबल के पानी को लेकर और ERCP को लेकर क्या कहेंगे। जी जी नमस्ते, ये हमारा जो मूवमेंट है प्रोटेस्ट फ्रॉम होम, इसको आज 60 दिन हो गए हैं और ये पूरे पूर्वी राजस्थान भर में चल रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि चूंकि ये जो लड़ाई लड़नी है ये लंबी लड़ाई है और इसको हमने जो किसान आंदोलन से उससे सीखा है कि मोर्चे लगा के लड़ने, तो हम इसमें पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में मोर्चे लगा रहे हैं। और ये जो मोर्चा है इसको लगे हुए 40 दिन हो गए, ऐसे ही जयपुर में जमवारामगढ़ में थड़ी गांव है वहाँ पे 60 दिन हो गए, कहीं पे 20 दिन हो गए, ऐसे करके टोटल अभी तक 25 पक्के मोर्चे लग चुके हैं जो ERCP प्रोटेस्ट फ्रॉम होम के नाम से हम लोग लगा रहे हैं। और इसमें ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसमें हम लोगों को ले पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और तीसरे चरण में अगर बचता है तो औद्योगिक पानी की मांग है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये 3 चरणों में पूर्ण होना था, इसका पहला चरण तो 2021 में हो जाना था, दूसरा चरण 31 में और तीसरा 51 में। तो अब हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से एक मांग करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से तो हमारी ये मांग है कि जो ये DPR जो वसुंधरा जी ने 2017-18 में बनाई, वो इतनी जल्दबाजी में बनाई कि उसमें पूरा है ना जो पानी है वो इंडस्ट्री के तौर पे है। तो हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से तो कि इस DPR में संशोधन करे और हमारे जो बांध है, लोकल बांध है, चाहे वो यहाँ का सीकरी बांध हो, चाहे जमवारामगढ़ बांध हो, चाहे कालका बांध हो, जितने भी जो लोकल बांध है अलग अलग इलाकों के, उन लोगों बांधों को इसके DPR में संशोधन करके उसको जोड़ा जाए प्रथम चरण में। और दूसरा केंद्र सरकार से मांग है, चूंकि ये योजना 2 राज्यों की है और इसमें भारी मात्रा में पैसों की जरूरत है, तो ये बिना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए ये इसका हल हो नहीं सकता। तो केंद्र सरकार से हमारी इसमें ये मांग है कि वो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। केंद्र सरकार से मांगे कि वो राष्ट्रीय परियोजना करे, किस तरह लोगों को इसके लेकर जागरूक करें। हाँ, इसी को लेकर हम वैसे तो गांव-गांव में जितने भी बहुत से संगठन है पूर्वी राजस्थान में जिसको लेकर काम कर रहे हैं, एक तो उनको कोऑर्डिनेशन बना के इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ऐसे हर गांव में एक धरना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये टोटल 27 धरने हो चुके हैं, मई लास्ट तक 50 हम इसको कर लेंगे और जून के अंत तक हम चाहते हैं एक बार 600 धरने हो जाएं। 600 धरने होने के बाद में फिर सबकी एक आम राय बनती है जाजम पे, उसके बाद में आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। साहिल जी मुझे ये बताइए, जिस तरह 13 जिलों की ये मांग है जो पानी की मांग है, मुख्य मांग है, और इसको लेकर सरकार अगर नहीं मानती तो आगे क्या नहीं है? देखो, अगर सरकार नहीं मानती है उसे कोशिश तो ये है कि जैसे राज्य सरकार ने अभी 14,200 करोड़ बजट दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले चुनावों को देख के लोकसभा विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार कुछ मूवमेंट करेगी। अगर नहीं करती है तो लोगों में तो जन जागृति फैल चुकी है। यहाँ आप देख रहे हो, ये सभी समझदार लोग हैं, सभी जान रहे हैं कि नहरी पानी का कितना प्रयोग है, क्योंकि स्थाई समाधान नहीं है जो नल सप्लाई हो रही है चंबल की। आप भी गांवों में गए हैं, 50% लोग आप इस चीज से ग्रसित हैं कि हमारे लिए पानी नहीं आ रहा है। तो ये नहरी पानी जब आएगा तो जल स्तर बढ़ेगा और यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई और छोटे मोटे उद्योग के लिए सबके लिए पानी की व्यवस्था होगी। और क्या कहना चाहेंगे, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानू का प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह गुर्जर, हम प्रोटेस्ट के लिए घर घर ढांडी ढांडी तक इस आवाज को पहुंचाएंगे। हमको नहर नहीं चाहिए, हमको चंबल का नहरी पानी चाहिए। चंबल का नहरी पानी? हाँ, नहर तो बहुत खोद दिए पर उन्होंने, पानी अभी तक नहीं सूखी पड़ी है नहर। हमको नहरी पानी मौके पर चाहिए और सड़कें भी हमको नहीं चाहिए। हमारा ये जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमको मतलब यहाँ DPR में संशोधन करके रूपारेल का भाव से सीकरी बांध, घाट बांध और नगर बांध को नहीं जोड़ा जाएगा, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसके बाद उग्र रूप भी हो सकता है, धरने का उग्र रूप भी हो सकता है। ये किसानों में जागृति नगर क्षेत्र में फैल चुकी है। देखिए, किसान जो है लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लगभग कितने 60 दिन उसको हो गए हैं ERCP की मांग को, लेकिन अभी जो है राज्य सरकार ने तो बजट भी दिया है। मांग है कि इसमें जब 2 राज्यों की बात है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो बजट दे और घोषणा करे, कहीं ना कहीं जो किसानों की
मांग है, आमजन की भी मांग है, 13 जिलों के लोगों को जो पानी की अहम समस्या बनी हुई है उसी को लेकर ERCP को लेकर वो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है ERCP का उसको लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक सरकार उनकी मांग करेगी। उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग एक जाजम पे आएंगे। सबसे पहले हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अभी इस तरह से काफ़ी जगह इस तरह से जिस तरह आज यहाँ प्रोजेक्ट पे मतलब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे ही पूरे राजस्थान के 13 जिलों में जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इनको एक बड़ी संख्या में अगर सरकार बात को नहीं मानती है तो एग्जाम पे आने का काम करेंगे, लेकिन तब जब सरकार बात नहीं मानेगी। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपका अपना